शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने भूमि पूजन के लिए प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। इसके बावजूद भूमि पूजन किया गया, लेकिन सवाल यह है कि प्रतिमा स्थापित करने में कितना खर्च होगा और कहां से आएगा, इससे भी प्राचार्य अभी अनजान है। सिंगरौली जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर भूमि पूजन किया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यालय प्रांगण में प्रतिमा स्थापित करने को लेकर जब प्राचार्य अवध नारायण दिवाकर से सवाल किया गया तो उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव को रद्द करने के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी ने मूर्ति स्थापित करने को लेकर मना कर दिया था। प्रतिमा स्थापित करने में कितना खर्च होगा, पैसा कहां से आएगा, इससे भी प्राचार्य अनजान बने रहे। वहीं प्राचार्य से जब साल 2022-23 के 23% परिणाम के बारे में पूछा गया तो कोरोना का हवाला देकर बात को टाल गए, जबकि विद्यालय में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए किसी भी तरह की योजना नहीं बनाई गई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने देश का संविधान बनाए, उनकी प्रतिमा जो है हर एक अन्य देशों में भी लग रही है और इसमें जो है अपने जिले के विभिन्न वार्ड के पार्षद जाकर के भूमि पूजन किए हैं। अभी कोई वो नहीं है सर, परमिशन हमको नहीं मांगते नहीं मिला है। कोरोना काल के बच्चे थे, इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, क्लासेस बराबर लगते रहे हैं और आप लोग आकर के देख भी रहे हैं, वो बच्चों के वजह से कोरोना काल की वजह से प्रयास कर रहे थे। बच्चों को टीचरों को मैं बांट दिया था, 5-5 बच्चे गोद लेने के लिए और टीचर पढ़ा रहे। प्रांगण में आज संविधान निर्माता सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लोकार्पण के लिए आज भूमि पूजन था, जिसमें हमारे मोरवा जोन के तमाम सभी पार्षद उपस्थित रहे और मुख्य अतिथि के रूप में सिंगरौली विधायक माननीय राम लल्लू जी थे, लेकिन उनका कुछ तबीयत गड़बड़ होने के कारण उपस्थित नहीं हो पाए। आज के मुख्य अतिथि 5 नंबर वार्ड की पार्षद माननीय श्यामा देवी जी रही। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।